ये देख सकते हैं, ये बेबी है हमारा। ऐसे ही बेबी बनता है, ग्रोथ होता है पेट के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे बेबी का जो है वेट भी लिखा हुआ है कि मेरा बेबी अभी कितने वेट का हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे सिर्फ अभी 225 ग्राम का ही मेरा बेबी हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए अभी सुबह का टाइम है और मैं बना रही थी मैक्रोनी, जो कि अभी बाबू स्कूल जाती है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो वही मैंने सोचा चलो आज जल्दी से ना मैक्रोनी ही बना देती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी वगैरह जो ये मतलब होती है तो जल्दी भी बन जाती है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, और कुछ बनाओ तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी देखिए मुझे आज ना मतलब हॉस्पिटल भी जाना है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं अभी रेडी हो गई हूँ और बाबू को भी रेडी कर दिया है। आज मुझे ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, मतलब पहली बार प्रेगनेंसी के पहली बार आज मैं मतलब दिखाने जा रही हूँ हॉस्पिटल। और देखिए मैं हो गई हूँ रेडी। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल और मैंने पर्चा भी बनवा लिया है, क्योंकि मतलब कुछ भी दवा लेने से पहले, दिखाने से पहले पर्चा भी बनवाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है और लाइन लगी पड़ी है। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ना इतनी भीड़ रहती है कुछ कहने को नहीं। और यहाँ पे देखिए तब तक जो है आसवी जो है भूख लग गई थी, भूखी हो गई थी, तो यहाँ पर आसवी खा रही है समोसा। और फ्रेंड्स वहाँ से ना मैं निकल आई हूँ, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो हो नहीं पाया तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल आना पड़ा। मतलब वहाँ की जो है आशा ही लेके आई है यहाँ पे, मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, लग रहा है कि ये भी जो है सरकारी ही हॉस्पिटल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर भी भीड़ है। मतलब सारी लेडीज जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए ही बैठी हैं, जो कि आशा लेके आती हैं। तो देखा जाए फ्रेंड्स एक तरह से ना ये भी मतलब एक धांधली का काम हो रहा है, कि मतलब इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल होते हुए भी जो है वहाँ पे अल्ट्रासाउंड ना हो के प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड हो रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए फाइनली मेरी अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट आ चुकी है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, ये देख सकते हैं मेरा नाम लिखा हुआ है, नामिका कश्यप। और चलिए आपको ये वाला दिखाते हैं, ये देखिए जो कि मतलब बॉडी का वही जो भी होता है पेट का, तो यही है रिपोर्ट, बेबी की रिपोर्ट। और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है एस्टिमेटेड फीटल बॉडी वेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मतलब ये लिखा है कि जो मेरा बेबी है अभी वो 225 ग्राम का हुआ है, अभी ज़्यादा अभी बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ 225 ग्राम का हुआ है। और फ्रेंड्स और सब नॉर्मल है, सब ठीक है। ये देखिए ये ऐसे ही होता है, सबका ऐसे ही होता है। और फ्रेंड्स आप लोग गलत मत समझिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग गलत मत समझिएगा। और ये देख सकते हैं ये बेबी है हमारा, ऐसे ही बेबी बनता है, ग्रोथ होता है पेट के अंदर। तो फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पे दोपहर के बज गए थे 2, तो जब आए थे तो हम लोग को देर हो गई थी, तो खाना होटल से ही लेके आए थे, क्योंकि सुबह तो कुछ बना के नहीं गए थे, सिर्फ मैक्रोनी ही बना के गए थे, खाना वाना तो कुछ बनाया नहीं था। तो मुझे ना तो बहुत तेज़ से भूख लग गई थी, पेट में एकदम चूहे कूद रहे थे, हमको क्या सबको भूख लगी थी। तो वही होटल से हस्बैंड ने खाना ले लिया था हमारे। तो यहाँ पे देखिए छोला की सब्ज़ी है और आलू, सूखी आलू की सब्ज़ी है। और ये वाली पूड़ी ना मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, मतलब होटल वाली जो यहाँ पूड़ी बनाते हैं तो मुझे ये वाली पूड़ी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो ऐसे ही खाली खा लेती हूँ, ऐसे ही अच्छी लगती है। और मुझे छोला ज़्यादा नहीं पसंद है, पर आलू की सब्ज़ी मैं खा लेती हूँ, रायता भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो खाना बना के नहीं गए थे तो इसीलिए जो है खाना लेके आए साथ में, मैंने बोला कि खाना ले लो, भूख लगी है बहुत तेज़ से और देर काफ़ी हो गई थी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे मेरे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फ्रेंड्स।